बेंड ऑफ द ट्रेंड, यानी अभी मेरी कंपनियों में क्या चल रहा है। जैसे मैं यहां पे अपना टेस्ट एग्जांपल खोलता हूं, रिलैक्सो, राइट, एवरीथिंग फाइन, धंधा जबरदस्त, अब तक बढ़िया चल रहा था। पिछले साल से ये उनके पैर बिकने कम हो गए, तो लास्ट ईयर से इनकी हालत टाइट थी, अभी क्या चल रहा है, क्या बेंड ऑफ द ट्रेंड आया है? क्या बोलते हो आप लोग, ये जो बिक्री गिर गई थी क्या उसमें सुधार आया है? चलेगा कब, दौड़ेगा कब? सुधार आने पे, राइट। तो क्या सुधार आया है? वो जवाब किसी को पूछने का जरूर नहीं है, वो जवाब आपको इधर से मिलेगा। देखो बेंड ऑफ द ट्रेंड आया है, किधर है इनका करंट ट्रेंड, देखो इधर हमने काम किया हुआ है, राइट। पिछले साल 13% का ग्रोथ अच्छा नहीं था दोस्तों, राइट। प्रॉफिट 20% से टूटे हुए थे, मार्जिन 8% थे, क्वार्टर वन 34%। अब ये क्वार्टर वन में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल के क्वार्टर वन में वेव टू थी, कोविड है ना, इसलिए ये ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल वेव टू में दुकानें बंद थी, माल नहीं बिका था, उसके सामने लो बेस की इफेक्ट है। जैसे लो बेस निकल गया, H1 देखो 10% ग्रोथ, यार 10% ग्रोथ को अच्छा ग्रोथ बोलेंगे? घटिया ग्रोथ है, जब इंडिया का GDP 17% से बढ़ रहा है, H1 में तो इनफैक्ट 20% के आसपास था, राइट। 10% आपका सेल्स ग्रोथ, और इसीलिए दोस्तों डिमांड कम, देखो मार्जिन गिरते जा रहे हैं और आपके प्रॉफिट 40% गिर गया है। अब लोग पूछ रहे इधर, अरे पीयूष भाई चलेगा कि नहीं रिलैक्सो, चलेगा कि नहीं? जवाब 9 महीने के रिजल्ट ने दे दिया था आपको। 9 महीने के रिजल्ट में क्या धमाकेदार सेल्स आया, बढ़िया सेल्स है दोस्तों, कैसा है 10% का 3%, राइट। तो ये डिमांड और कम होती जा रही, डिमांड कम, मार्जिन में कोई सुधार नहीं, तो अभी भी आपकी कंपनी अफेक्टेड है, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। या प्रॉफिट ये -47 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, या तो 39 के माइनस आधे प्रॉफिट तो अभी से हो गए दोस्तों, राइट। तो आपकी कंपनी में सुधार कब आएगा, हाव में, जब डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि यहां पे एक ही प्रॉब्लम है, डिमांड में कमी है। डिमांड में कमी के कारण खर्चे तो दोस्तों उनके होते ही है, प्रॉफिट इनके डाउन हो गए, मार्जिन इनके गिर गए, तो यहां दो मार है, डिमांड कम और इन्फ्लेशन हाई जिससे मार्जिन कम। तो अब जब इनके नतीजे आएंगे Q4 के, हमें क्या देखना है, राइट, हमें ये देखना है कि भाई तुम्हारी डिमांड सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं सुधरेगी तो ये नया लो लगाएगा। डिमांड सुधर के आएगी तो ये जो लो लगा आखिरी लो, फिर इसमें बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सबको कहा था कि करंट ट्रेंड परसेंट बनाना, देखो कितना गाइड करती है मेरे को करंट ट्रेंड, पूरा चित्र मेरे सामने है और मैं वो वेट करता है ना कोई कि यह कब चलेगा, कब चलेगा, अरे कब चलेगा, क्या चलेगा ही नहीं है जब तक इनके सुधार नहीं आते, बराबर की नहीं। इसकी इफेक्ट आप अपनी अर्निंग में देखो, पिछले साल की EPS 9.4, अभी की ट्रेल EPS 6, ये कितनी गिरी, और हम तो उम्मीद कर रहे हैं अभी इस साल और ₹5 आ जाएगी, तो जब तक अर्निंग गिरेगी आपको मजा थोड़ी ना आएगी, राइट। प्रॉब्लम क्या है ये जान लिया हमने यहां, राइट, इससे हमें प्रिपेयर रहना है, आपको पता चल जाएगा, मेरे पास है कोई बात नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा लेने की, बराबर है, मेरे पास है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देखूंगा जब इंप्रूवमेंट आएंगे तब मैं ऐड करूंगा दोस्तों। उसी प्रकार से ये जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया दोस्तों, लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी अच्छी है, डेब्ट फ्री है, सब बढ़िया है, पर अभी तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, राइट। ये प्रॉब्लम में अगर मैं ये कंपनी को देखूं, कंपनी का अभी का पी कितना है, देखो 835 का प्राइस है, और मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है, यहां पे गिना अभी हमने 6.98, बोलो 134 का पी, सस्ता है महंगा, तो मैं 135 का भी पी देने को तैयार हूं, पर ये तू 135% से बढ़े तो तुम्हारा धंधा 3% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो इनको पी हम हाई नहीं दे सकते, राइट। इसी वजह से प्रेशर है,